तो फ्रेंड, आज हम लोग सोल्डरिंग आयरन के बारे में बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास ये 3 सोल्डरिंग आयरन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो 25 वॉट का सोल्डरिंग कंपनी का सोल्डरिंग आयरन है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप पूरा डिटेल्स इसके बारे में देख सकते हैं और लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये 35 वॉट का सोल्डरिंग आयरन है, तो ये बहुत पुराना है, ये 25 वॉट से पहले हमने लिया था। तो यहाँ पर हमने जो गलती किया है वो मैंने जो 25 वॉट का सोलर आयरन लिया है तो वो पॉइंटेड बीट का लेना चाहिए था, क्योंकि मेरे घर में इलेक्ट्रॉनिक्स काम भी होता है, पॉइंटेड बीट इलेक्ट्रॉनिक्स काम करने के लिए अच्छा है, तो मैंने यही गलती किया है। और अभी जो लास्ट में है वो 125 वॉट का है, तो ये इलेक्ट्रिकल तार वगैरह सोल्डरिंग करने के लिए ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो मेरे सोलर सिस्टम यहाँ पर लगाया था तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है, वही आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कैसे सोल्डरिंग किया है इस 125 वॉट का सोल्डरिंग आयरन से। तो सोल्डरिंग आयरन के साथ और दो चीज़ चाहिए, एक सोल्डरिंग पेस्ट चाहिए आपको और एक सोल्डरिंग वायर चाहिए। घर में छोटा मोटा काम के लिए ये 3 चीज़ रख दीजिए। और एक बात, जो मैंने प्रॉब्लम अभी फेस कर रहे हैं तो वही प्रॉब्लम आपके साथ भी ना हो, इसलिए कह रहे हैं आप सोल्डरिंग आयरन लेना चाहते हैं तो पॉइंटेड बीट सोल्डरिंग आयरन ही ले लीजिए, क्योंकि ये लेने के बाद आपको घर में छोटा मोटा सारा काम आपको हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स काम भी आपको हो जाएगा और इलेक्ट्रिकल काम भी आपको हो जाएगा इससे। तो थैंक यू मेरा छोटा सा वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और साइड में जो बेल आइकन को भी दबा दीजिए।